Guys, I was absent in vlogging between 15 Jan to 25th Jan. The big reason is that I have told you in my previous vlog about that I am taking a leave between 15 to 25th Jan because of my exams, and yesterday was the last paper, and I have completed my exams too, and exams are quite good and quite bad papers. Some few bad means average papers, and maximum papers are very well gone. And today is 26th Jan 2019. I have told you that my last vlog before leave will be the Makar Sankranti vlog, but unfortunately after Makar Sankranti I not able to get a little bit of time to edit and post the vlog of Makar Sankranti. So I have posted the Makar Sankranti vlog yesterday. I have posted, and if you haven't watched it, so please click in the I button to watch the vlog. And I have shooted the vlog from my Apple's iPad, and the quality is very well and very exciting quality is there in Makar Sankranti's vlog. So please watch it. Anyways guys, आज का दिन हो रहा है Saturday, और date तो आपको पता ही होगी 26 Jan 2019. तो आप सबको मेरी तरफ से Happy Republic Day, क्योंकि हमारे viewers और सभी लोगों को पता ही होगा कि आज है Republic Day. So सबसे पहले आपके और हमारे सिवाय हम सबसे पहले thank करना चाहेंगे हमारे soldiers को, as well as जिन्होंने भी इंडिया के लिए काफ़ी exciting चीज़ें की है और काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं. और हमारे इंडिया को जिसने अपलिफ्टेड किया है, उन सबको आज हम थैंक करने वाले हैं रिपब्लिक डे को. और मैं ऐसे हर बार देखता हूँ कि लोग सोल्जर्स और जो रूलर्स जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उनको सिर्फ 15 अगस्त और 26 जैन को याद करते हैं. भाई ऐसा नहीं है, हमको पूरे 365 डेज तक उनको याद करना है और उनको थैंक करना है. ओके सो बस आज का दिन तो ऐसा ही है, और आज के दिन में यार आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑब्वियसली मिलने वाली है, तो फिर पूरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा. और आज से रेगुलर व्लॉग्स आने वाले हैं, और जहाँ तक मेरी नेक्स्ट एग्जाम आ नहीं जाती तब तक तो आएंगे ऑब्वियसली. कुछ यहाँ पे आसपास आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करो. मेरे पास माइक नहीं है और मैं न्यू फ़ोन भी लेने वाला हूँ, उसको आपको आने वाले समय में आपको बता दूंगा कि कौन सा लूँगा और क्या मैं सोच रहा हूँ. आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना. और आज हम देखने जाने वाले हैं उरी ऑन रिपब्लिक. उरी, यस उरी मूवी देखने जाने वाले हैं, जिसके सर्जिकल स्ट्राइक पर निर्भरित है, वो तो आपको पता ही होगा यार. विकी कौशल एक्टर होंगे, यामी गौतम भी उसमें है, तो देखेंगे कैसी मूवी है. और अभी तक को तो 4.5, 5 star, 4 star सब कुछ ही उसको मिल रहा है, तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मैंने रिव्यू भी देख लिया, काफ़ी एक्साइटिंग मूवी है, तो आज हम वो देखने जाने वाले हैं लेटर ऑन इन दिस ब्लॉग. बट अभी हम यहाँ पे फ्लैग्ड होस्टेड हो गया है, तो फ्लैग होस्टिंग होने वाली थी, बट वो बहुत अर्ली होती है, 7:30, 8 o'clock के आसपास होती है, तो अभी तो होस्टेड हो गया है, तो वो देखेंगे. यहाँ पर अर्ली है, यहाँ पे नज़दीकी है मीन्स, तो वो देखने जाने वाला है. तो माइक नहीं है मेरे पास, पहले ही बोल देता हूँ. और यही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू आ रहा है, तो आपको यहाँ से इंटरेस्टिंग व्यू दिखाते हैं. चलिए चलते हैं. और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दूसरे एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्लैग, और ये बेसिकली बड़ौदा का सबसे ऊंचा और सबसे लेंथ में हाई वाला फ्लैग है इंडिया का. और आप देख सकते हो यार, तिरंगे को लहराते हुए यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. और मैं यहाँ पे ही हूँ, अंदर जाने की परमिशन अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम वगैरह अभी चल रहा है, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, इसलिए अंदर जा नहीं सकते हम. बट और कुछ एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ. और मैं यहाँ पे ऐसे अभी खड़ा हूँ, अभी बजे कुछ 11:30 or 12 o'clock बजे होंगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. आपको पता ही होगा ये अपना फ्लैग दिख रहा है, तो पता नहीं है, दिख रहा है तो अच्छा है, बट इसका कुछ वो 2x, 3x, 4x वगैरह है नहीं मेरे पास इसका, ये अपना फ़ोन ऐसा ही है.
बट यही अभी सिचुएशन चल रहा है। और यहाँ एक आर्मी टैंक भी आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है तो अच्छा, ये आर्मी टैंक भी अभी आपको दिख रहा होगा। और बस यही सिचुएशन है। और कुछ शॉट्स लेते हैं स्लो मोशन वगैरह और देखते हैं, और मैं आपको मेरे घर से या फिर मेरे फ्रेंड के घर से दिखाने की ट्राई करता हूँ, शायद से आपको दिखे या ना दिखे। आपको फ्लैग्स मिलते रहेंगे, 20, 40, 30 के प्राइस में आपको फ्लैग्स मिलेंगे, साइज पे डिपेंड है, आपको चाहिए तो ले सकते हो। गाइस वो रहा मेरा घर, ये वाला घर, और ये है अपना फ्लैग, और इसका डिस्टेंस करीब करीब होगा कुछ पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली, बट कम ही होगा आई गेस। और मेरे टेरेस से तो मेरे को लग नहीं रहा है कि दिखेगा, क्योंकि यह देखो आप टेरेस देखो मेरा, और ये है मेरा घर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब कुछ रहेगा। इससे इस साइड पे मेरा फ्रेंड का घर है, तो उसको देखना पड़ेगा अभी क्या है सब, क्या सिचुएशन है वो देखते हैं अपन। गाइस हम आ गए हैं मेरे फ्रेंड के टेरेस पे, यस मेरे फ्रेंड के टेरेस पे हम आ चुके हैं, और यहाँ से नजारा काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है। आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा वो फ्लैग, वहां पे हम अभी गए थे, और बस ये सिचुएशन चल रहा है अभी। और मेरा फेस आपको दिखे या ना दिखे मेरे को पता नहीं है, क्योंकि धूप इस साइड की है, इसलिए धूप इस साइड की है, इसलिए मेरे को यहाँ पे फेस होना चाहिए, और यहाँ पे फेस होगा तो फ्लैग नहीं दिखेगा। तो फिर यही सिचुएशन चल रहा है अभी। बजे हो गए अभी कुछ 12:30, और मैं अभी जाऊंगा खाने मतलब मींस लंच ऑब्वियसली। और मेन नोटिस ये है कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर दीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम आईडी को प्लीज फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट्स रखता जाता हूं कि कभी ब्लॉग आएगा कभी नहीं आएगा, क्यों एग्जाम्स कहां पे मेरी कब आने वाली है, वो सब अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए, स्टोरीज वगैरह और पोस्ट वगैरह मैं रखता रहता हूँ वहाँ पे, तो जल्दी आप व्यूअर है जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाइए और फॉलो कीजिए। इट्स 5:30 और 6 o'clock इन द इवनिंग, एंड अभी मैं बहुत दिन से यार खेलने नहीं आया, तो मैं देखता हूँ फ्रेंड्स लोग बहुत लोग खेलने आ ही रहे रेगुलरली, तो हम जाते हैं देखने कि क्या लोग खेल रहे कि नहीं। और कुछ डेढ़ शाने लोग तो पतंग भी उड़ा रहे हैं भाई, मकर संक्रांति चली गई, अब आएगी अगले साल भाई, अभी से उड़ाने की जरूरत नहीं है। इस यहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं, और जो भी मेरे हैं वो फ्रेंड्स हैं नहीं, इसलिए अभी जाऊंगा वापस घर पे, चलते हैं चलो। गाइस उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी माशाल्लाह काफी 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 हाई, What is the joke? Where is the joke? जो भी था वो डायलॉग काफी इंटरेस्टिंग, और क्या मूवी था, और क्या ऑडियंस चिल्लाई वहां पे, क्या मतलब आज रिपब्लिक डे पे हमको लग रहा है कि यार आज हमारा डे बन गया, क्योंकि यार आज मेरा डे इतना अच्छा गया है रिपब्लिक डे का। और लास्ट में उरी जब मूवी देखी तो विकी कौशल की एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो तो यार अब लेवल अप हो गया उनका, वो तो पता ही होगा आपको यार, काफी इंटरेस्टिंग एक्टिंग करते हैं विकी कौशल, और यामी गौतम की एज वेल एज एक्टिंग इसमें तो अच्छी है। एंड बस यही था व्लॉग, शॉर्ट सिंपल, रिपब्लिक डे हुआ फिनिश। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो, मेरे व्लॉग देख रहे हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन टू, बिकॉज मैं डेली व्लॉगिंग करता हूं। वो मैच हो गया, सचिन सबका बाप है वैसा मतलब मैच हो गया पता नहीं, चलो जो भी हो, अभी मैं मिलता हूं कल के व्लॉग में, मीन संडे के व्लॉग में, क्योंकि मंडे से यार बहुत स्ट्रेस दे होगा, संडे कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि यार रेस्ट ही लूं, बट कुछ इंटरेस्टिंग तो आप करने वाला हूं। मंडे से यार कॉलेज ट्यूशन दोनों शुरू हो जाएगा, इसलिए फिर से लोड सर पे आ जाएगा। ओके मैं मिलता हूं आपको कल के व्लॉग में, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग, गुड बाय, स्टे सेफ, एंड हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप Today will be the best of yours.